यूजीसी के तहत एमपी के 18 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित करने पर छतरपुर में मचा हड़कंप। विश्वविद्यालयों के डिफॉल्टर होने से छात्रों के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमपी के 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा डिफॉल्टर घोषित करने से छतरपुर में भी हड़कंप की स्थिति रही। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय को भी यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने पर डिफॉल्टर घोषित कर दिया, लेकिन विश्वविद्यालय के कुल सचिव का कहना है कि यूजीसी के आदेश पर पिछले साल सितंबर महीने में ही लोकपाल नियुक्त कर दिया था, जिसकी जानकारी यूजीसी को भेज दी थी, लेकिन इस कार्रवाई से यूनिवर्सिटी के छात्रों के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन लोकपाल नियुक्त कर चुका है। यूजीसी द्वारा विद्यार्थियों के जो ग्रीवियंसेस हैं उनके निराकरण करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, उसके तहत विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी बनाना था और उसके बाद में लोकपाल की नियुक्ति करना था। विश्वविद्यालय द्वारा यूजीसी के निर्देश अनुसार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार माह सितंबर में के पूर्व ही प्रोफेसर केवी पंडा को लोकपाल नियुक्त कर लिया गया है। इसकी जानकारी शासन को भेज दी गई। विश्वविद्यालय में लोकपाल के रूप में प्रोफेसर केवी पंडा का नामांकन किया जा चुका है। विद्यार्थियों का किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति समय पर की जा चुकी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।